हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आज मैं रिव्यू देने वाली हूँ दुनिया की सबसे बेस्ट चीज़ यानी कि एक किताब का रिव्यू। ये है बैंक सक्सेस फॉर बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए। मैं भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का तैयारी कर रही हूँ, तो इसीलिए मैंने बैंक का भी फॉर्म फिलअप करा हुआ है और इसीलिए मैंने ये बुक को परचेज़ किया था ऑनलाइन। ये मैंने 400 से ख़रीदा था, बैंकिंग करियर एक वेबसाइट है उससे। तो ये बुक से मुझे कोई शिकायत नहीं है, बहुत ही सैटिस्फाइड है। प्राइस थोड़ा ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू द बुक और मैं इसलिए अनसैटिस्फाई हूँ थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे कुछ पेजेस हैं इंटरेस्ट चैप्टर का। देखिए, आप देख सकते हैं ब्लैंक पेजेस है। यही होता है ऑनलाइन का लॉस, क्योंकि हमें वो दिखाई नहीं देता है। हम अगर बुक स्टोर से लेते हैं तो हमें हर पन्ने उलट कर देखने का मौका मिलता है, पर अगर हम ऑनलाइन से खरीदें तो बेवकूफ़ बन जाते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट चैप्टर का कुछ मिसिंग है, यहाँ पे परसेंटेज चैप्टर का कुछ मिसिंग है। इस तरह से करीब 8-10 पेजेस ब्लैंक है। वैसे बुक्स में जो मटेरियल्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है SBI PO में, क्लर्क में, IBPS PO क्लर्क में, जो इसलिए ये बहुत बहुत ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस मुझे यही बात का अफसोस है कि ये पेजेस में पता नहीं क्या था जो मुझसे नहीं हो पाया। पता नहीं वो अगर आ जाए तो मैं कैसे करूँगी। तो यही मेरा ये बुक से शिकायत है। वैसे ये बहुत अच्छा है, आप अगर लेना चाहे तो प्लीज़ ऑनलाइन ना ले, आप कोई भी बुक स्टोर में या फिर लाइब्रेरी में देख सकते हैं, जिससे आपको हर एक पेज पलट कर देखने का मौका मिलेगा। आप देख सकते हैं ये प्राइस 395 है। अगर आप ऑनलाइन से लेते हैं तो आपको 400 पे करना पड़ता है इंक्लूडिंग कुरियर चार्जेस, और अगर आप यही आसपास से लेते हैं तो फिर आपको शायद डिस्काउंट में ये 370 में दे दे। तो आइए देखते हैं इस किताब के डिटेल्स के बारे में। ये बताया गया है कि बैंक सक्सेस का फास्ट प्रिपरेशन बुक है, कैन बी यूज्ड फॉर क्लर्क एंड PO एग्ज़ाम्स ऑफ IBPS, SBI एंड अदर बैंक्स, यानी स्पेशली फॉर बैंक्स के लिए। पर आप फिर भी अगर आप दूसरा एग्ज़ाम जैसे मेन हमारे इंडिया का UPSC है और स्टेट लेवल का PSC होता है और भी कई तरह के रेलवेज होते हैं, डिफेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें भी आप ये यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो पूछा जाता है बैंक में मैथमेटिक्स, वो सब काफ़ी बार रेलवेज में भी पूछे जा चुके हैं। तो इसमें जो ये कंटेंट्स हैं वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और इंग्लिश लैंग्वेज है। इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी आता है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब है, और लॉजिकल रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, कंप्यूटर अवेयरनेस है। और फिर ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, प्रॉफिट एंड लॉस, एरिया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। देख सकते हैं बहुत सिमिलर चैप्टर्स है जो आपको बाकी एग्जाम से भी फ़ायदा होगा। कम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, रेशन, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉब्लम्स ऑन एज, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, वर्क एंड टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, पाइप्स एंड सिस्टम्स, नंबर सिस्टम, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, पार्टनरशिप, प्रोबेबिलिटी, मिक्सचर, एलिगेशन, सिंप्लीफिकेशन, ऑडमैन आउट, डेट इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन। इंग्लिश लैंग्वेज में है सिनोनिम, एंटोनिम्स, एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, रिप्लेसिंग फ्रेज यानी फ्रेजल वर्ब, एक्टिंग एक्टिव पैसिव वॉइस वॉइस चेंज, एनालॉजी, कॉम्प्रिहेंशन। लॉजिकल रीजनिंग में है स्टेटमेंट, कंक्लूजन। ये कंक्लूजन आजकल रेलवे बहुत देता है, पहले नहीं देता था, तो ये बुक आपके रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट, अजम्पशन, कॉज एंड इफेक्ट, आर्ग्यूमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, इनकोड डी कोड जैसे आपको ग्राउंड शेप में आता है और उसमें फिलअप करना पड़ता है, ऐसा है। मैं फिर भी डिटेल्स का बता दूंगी। डिसीजन मेकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, एनालॉगी, ऑडमैन आउट, जनरल क्वेश्चंस, डेटा सफिशियंसी, इन्फेरेंस, लॉजिकल स्टेट, लॉजिकल सेंटेंस अरेंजमेंट, सिलोगिज्म, यही सब। और इसमें इस तरह से बताया गया है कि पहले आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे ये फर्स्ट चैप्टर का है जो था फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया है। और फिर यहाँ पे चार ऑप्शंस है ABCD, फिर यहाँ पे आंसर दिया, फिर यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो दिया है। ये देखिए कितना अच्छा है, ये पहला प्रॉब्लम 389.90 है ना, तो इसको हम 0.90 है तो इसको हम 390 ले सकते हैं, है ना, 390 इंटू 46.13 है तो इसको हम 46 ले लेंगे, 46। इस तरह से आपको कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी होगी। जहाँ पे हमको ये पांचों डिजिट को इन चारों डिजिट से मल्टीपल करना था, वहाँ पे हम सिर्फ तीन को इस दो से करेंगे। इस तरह से बहुत शॉर्ट हो जाता है ये मैथ, और इसी तरह बाकी भी बहुत शॉर्ट ट्रिक्स है। बहुत अच्छा बुक है, आपका बहुत सारे प्रोसेस को ये शॉर्ट कर देता है।
बस यही खामी है कि इसमें कुछ पेजेस नहीं हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का जो है बहुत ही वाइटल मैथ्स सब दिया गया है एकदम, मतलब अगर आप थोड़े कमज़ोर हो तो फिर आप पहले 19th का बुक कर लो फिर इस पे आओ, वरना आपको इसमें बहुत दिक्कत आएगा क्योंकि इसमें एकदम वाइटल है, हाई लेवल का है मैथ्स सब तो। और अगर आपका तैयारी खूब जोर शोर से है तो फिर आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हो खुद को जांचने के लिए। तो यही था मेरा इस किताब का रिव्यू, ये किताब वाकई बहुत अच्छा है और आपके सिर्फ बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए नहीं बाकी सभी जो इंडिया के एग्ज़ाम्स होते हैं सेंट्रल स्टेट का उसमें भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये बुक आपको ज़रूर एक होना चाहिए आई थिंक, और मैं इस किताब को रिव्यू देना चाहूँगी 10 में 9। वन मार्क मैं कट कर रही हूँ क्योंकि प्राइस थोड़ा ज़्यादा है फो, और ये जो पेजेस का मिसिंग है इस वजह से। देखने के लिए शुक्रिया।